बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन एकेडमी। आई होप कि आप तमाम दार स्टूडेंट खुश होंगे, खैरियत से होंगे, और मेरी भी यही दुआ है कि आप सब के साथ खुश और खैरियत से रहें। तो यार, यूनिवर्सिटी को, इलामिकल ओपन यूनिवर्सिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दो बहुत ही बड़ी अपडेट देने लगा हूँ। आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे, आपको ज़रा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप जानते हैं कि हर आने वाली एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले यूट्यूब चैनल ब्रेन एकेडमी के ऊपर आपको मिल रही है। और यार, मुझसे जितना हुआ मैं आपकी हेल्प पहले से कर रहा हूँ और मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो खैर, वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले तमाम दार स्टूडेंट वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में खड़ी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख पाए। तो जिन स्टूडेंट्स ने, जिन फॉलोअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, थैंक यू वेरी मच। आप बात कर लेते हैं नंबर वन पर, जो आपके लिए गुड न्यूज़ है। और सेकेंड गुड न्यूज़ जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत बहुत यार, मुझे सुनने में आई, जब मैंने सुना तो मैंने कहा यार, यूनिवर्सिटी को वाकई में अप्रिशिएट करना चाहिए। और जितनी भी ये चेंजिंग आती रही हैं, वाइस चांसलर ज़िया की जानिब से अपडेट आती रही हैं, तो इसमें ये करनी भी चाहिए थी। लेकिन कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके इतना कैलिबर नहीं है, लेकिन उनके लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने ये फैसला वाजे और क्लियर एक नोटिफिकेशन के अंदर ये बात आई है, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने लगा हूँ। दूसरे नंबर पर अजीज़ तलबा, जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, जो बुक्स के वाले से आप परेशान थे, बुक्स आपकी मतलब कि नहीं आ रही थी बीए और बीकॉम की, तो आपको ज़रा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी ने मतलब कि जिन बच्चों की बुक्स रह गई थी, वो तकरीबन 70-80% बच्चों को बुक्स उनके एड्रेस पर पहुंचा दी, बच्चों को मिल चुकी हैं। और जिन बच्चों को अभी तक बुक्स नहीं मिली थी, 20% आई थिंक रहते हैं राउंड अबाउट, तो उन बच्चों को भी जल्द से जल्द 4 से 5 दिनों के अंदर बुक्स मिल जाएंगी। 4 से 5-7 दिन हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं हो सकते। और जिन स्टूडेंट्स का अभी तक एडमिशन कन्फर्म नहीं आया, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स लें और इलाके दफ्तर चले जाएं, और नहीं तो दो काम होते हैं और जो आप अपने घर बैठे कर सकते हैं, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूं। अगर आप वीडियो नहीं देखी तो कमेंट करें, ताकि मैं आपको गाइड करूं। अब बात कर लेते हैं सेकंड गुड न्यूज़, तो आपको क्लियर और वाजे बता दूं, डियर स्टूडेंट्स, आटम 2020 के बारे में आपने सुना था कि आटम 2020 की जो असाइनमेंट्स हैं, जो बच्चे बाय हैंड या बाय पोस्ट जमा करवाते थे हाथ से लिख कर, उन बच्चों के हवाले से कि इन बच्चों की ऑनलाइन जमा होगी, तो आपको ज़रा भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आज की कॉन्फ्रेंस, आज की जो बात सामने आई है, आज की वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आपने बाय हैंड या बाय पोस्ट पहले जैसे जमा करवा रहे थे, वो वैसे ही आपने बाकी जहाँ कहीं से भी वीडियो सुनी है, वो सारी की सारी बेबुनियाद है। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर और वाजे बता दिया है, और इंशाल्लाह मैं आपकी पहले से हेल्प कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ये वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, और खातिमे नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाना है, कमेंट बॉक्स में भी खातिमे नबूवत जिंदाबाद लिखना। और एग्जाम के ऊपर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आने वाली है, और जब भी वो कंफर्म होती मैं आपको वीडियो के जरिए मैसेज दे दूंगा। तो खैर, अब तक के लिए इतने ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।